इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी जी मौजूद है। सर, निकाय चुनाव होना है और लगातार समाजवादी पार्टी हो या आरएलडी हो दावा कर रही है कि जीत उनकी होने जा रही है, बीजेपी हारने जा रही है निकाय चुनाव में, किस तरह से देख रहे हैं? हमारी पूरी तैयारी है, लोग षड्यंत्र करके चुनाव को टलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है और हमें अपने कामों पर, अपने नेतृत्व के कामों पर और अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। चुनाव कभी भी हो, कोई भी गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। गठबंधन का अनुभव पुराना लोगों को है, 2019 में भी लोगों ने गठबंधन करे, 2022 में भी गठबंधन करे, उससे पहले 2017 में भी गठबंधन करे, दो युवाओं की जोड़ी आई, फिर 19 में बड़े दल दो गठबंधन में चले गए, कांग्रेस भी उनके साथ चली गई, आरएलडी भी उनके साथ चली गई, तो हमारे खिलाफ तो गठबंधन करते ही हैं, लेकिन जनता का गठबंधन बीजेपी से है, जनता का गठबंधन मोदी जी से है और मोदी जी ने देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, आम जनता के लिए मोदी जी ने बहुत काम किए और उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। किसका षड्यंत्र आप मानते हैं? जो कि सरकार आती है और लगातार कोर्ट में मामला है, रोज नई तारीख दी जाती है, विलंब लगातार निकाय चुनाव में होता है, ये तो न्यायालय की माने न्यायालय की प्रक्रिया है, लेकिन कोर्ट कौन गए हैं ये सब जानकारी आप सब लोगों को, सबको जानकारी है, प्रदेश की महान जनता सब जानती है। इसके साथ ही सर, लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कानून व्यवस्था पर, सवाल उत्तर प्रदेश में उठा रही है कि कानून व्यवस्था नहीं है, बोलने की इजाजत सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून का राज है और इस विषय को प्रदेश देश की सब जनता जानती है। किस प्रकार की अराजकता समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय रही, चाहे 2012-17 तक थे या उससे पहले काल, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, छिनेती, जमीनों पर कब्जे, महिलाओं से अत्याचार, छेड़छाड़, सारे काम होते थे, सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी, सरकार दंगाइयों के मुकदमे वापस करती थी, आतंकवादियों के मुकदमे वापस करती थी। आपने देखा, वो तो माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार मैं करता हूँ, तो माननीय न्यायालय की सक्रियता से उन आतंकवादियों पर, अतिवादियों के मुकदमे वापस होने से रह गए और वो देश की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो समाजवादी पार्टी का इतिहास सब लोग जानते हैं और वो अपने अनुभव जो उनके रहे होंगे उन अनुभव के आधार पर कुछ कह रहे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से प्रदेश की सब जनता जानती है। सर, एक सवाल ये है कि पासवानदा सम्मेलन लगातार बीजेपी ने किया, रामपुर में उसका असर भी दिखा, बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, निकाय चुनाव होना है तो क्या पासवानदा मुसलमानों को भी टिकट भारतीय जनता पार्टी चुनाव में? सबको लगा है, समाज अनुभव जो उनके रहे होंगे उन अनुभव के आधार पर कुछ कह रहे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से प्रदेश की सब जनता जानती है। सर, एक सवाल ये है कि पासवानदा सम्मेलन लगातार बीजेपी ने किया, रामपुर में उसका असर भी दिखा, बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, निकाय चुनाव होना है तो क्या पासवानदा मुसलमानों को भी टिकट भारतीय जनता पार्टी चुनाव में? सबको लगा है, समाज, सारे समाज के वर्ग तबके हमारे संपर्क में है, हमने सबके लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं लाभार्थी प्रति, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या मुख्यमंत्री जी के, सब जनता को सबसे लाभ हुआ, उनके जीवन में बेहतर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग सफल रहे हैं, तो सब जानते हैं और अब पूरा प्रदेश हमारे साथ है, पूरा देश भाजपा के साथ है, बीजेपी अब किसी जाति वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है, हम सबको साथ लेकर, यानी बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है, रणनीति तैयार हो चुकी है, हमारी पूरी तैयारी है और माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा, न्यायालय का आदेश पर हम तुरंत ही अपने काम को आगे। एक और आखिरी सवाल है कि सहयोगी दल भी भारतीय जनता पार्टी की है तो क्या निकाय चुनाव में भी जो है टिकट दिया जाएगा सहयोगी दलों को भी? गठबंधन का निर्णय केंद्रीय पार्टी करती है, हमारे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अपना दल और अपने साथ समाज पार्टी हमारी गठबंधन में है और केंद्रीय पार्टी जो भी आदेश करेगी, लेकिन हम लोग प्रदेश में भी हम सबको साथ लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जिनका कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से निकाय चुनाव को लेकर तैयार है और जीतने भी जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।